अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट है या आप इसे गूगल अकाउंट कह लें, तो आप अगर अपने जीमेल अकाउंट का मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, जो मोबाइल नंबर पहले से आपने लगा रखा है वो मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप लगाना चाहते हैं, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर पहले से लगा रखा है आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं ये सब बताऊंगा। तो अपने जीमेल अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको अपनी जो जीमेल है उसे गूगल में या फिर जीमेल में आपको उसे लॉगिन कर लेना है। तो मैं ये जीमेल ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आपको आपका जो जीमेल अकाउंट है वो शो हो रहा है और नीचे ही ये जो गूगल अकाउंट लिखा है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो इसमें आपने ये जो ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आपके पास इस तरह आएगा। तो अब आपने इसे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस आपको शो हो रहा है और नीचे ही ये फोन नंबर आप देख सकते हैं जो आपने ऐड किया हुआ है पहले से, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब अगर आप यहाँ से इस मोबाइल नंबर को खत्म करना चाहते हैं, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ इसे खत्म भी करना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आपके पास ये एक नया पेज यहाँ पर इस तरह का आपको शो होगा। तो फिर आपने एक बार फिर ये मोबाइल नंबर जो शो हो रहा है इसी पर आपने यहाँ क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपना जो मोबाइल नंबर है आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये जो ऑप्शन है डिलीट के लिए, अगर आप ये डिलीट पर क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो ये मोबाइल नंबर है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये मोबाइल नंबर डिलीट नहीं करना बल्कि आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिर यहां पर क्लिक कर, तो यहां पर अब आपको अपना ईमेल पासवर्ड लगाना होगा क्योंकि इसके बगैर आप अपने अकाउंट में कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो ईमेल पासवर्ड लगाते ही आपके पास फिर दोबारा से वही ऑप्शन आ चुके हैं, डिलीट वाला ऑप्शन भी है और यहाँ से एडिट करने के लिए यहाँ इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट नंबर, तो इस पर आप क्लिक कर दें। तो अब आप यहाँ से इस नंबर को आप यहाँ से रिमूव करके कोई भी दूसरा नंबर आप यहाँ पर लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आप जैसे ही यहाँ ये नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो उस नंबर पर एक कोड चला जाएगा और वो कोड आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका जो नया मोबाइल नंबर है वो यहां पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपने जीमेल अकाउंट का मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।